अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहाबी अजमाईन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमताना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरु मौजूद सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान रखते हैं वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद ये पहला जुमतुल मुबारक है, ईद का दूसरा दिन है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह करीम खुसूसी बरकात नाजल फरमाते हैं। ये वो इबादत है जो अल्लाह करीम ने पसंद फरमाई। अल्लाह के तमाम अंबिया रसूल ने अपनी कौम को इस इबादत का हुक्म अता फरमाया। इस इबादत का हुक्म हर कौम के लिए, इस हुक्म में जो अहकामात की कमी बेशी है, रोज़े का वक्त हो सकता है, खाने पीने के औकात के साथ हदूदो कयूद वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये वो इबादत है जो अल्लाह करीम ने हर कौम के लिए पसंद फरमाई। रमज़ानुल मुबारक को तीन अशरजात पर तकसीम फरमाया गया। पहला हिस्सा जहाँ रहमत बारी ताला आगोश में लेती है, दूसरा हिस्सा जहाँ बख्शिश की अता होती है, फिर तीसरा हिस्सा जहाँ दोज़ख से बरियत की खुशी नसीब होती है, अता की जाती है, और आखिरी अशरे में एतकाफ़ की इबादत, फिर ताक रातें, और उन ताक रातों में शबे कदर की तलाश। हम कमज़ोर ख़ताकार अपनी गलतियां कमज़ोरियां लेकर रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हुए तो अल्लाह करीम की रहमत बेशुमार पहलू है, बेपाया किनार, ठाठे मारता, मौजे मारता, ऐसा समंदर है जिसके कोई पैमाना नहीं किया जा सकता। लफ्ज़ समंदर कहना हेच है उस सतबारी ताला जो अल्लाह करीम की रहमत मखलूक के लिए वो वसी कर रहे। तो वो हमारी कमज़ोरियाँ, मुझ जैसे गुनागार लोग जब रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होते हैं, अल्लाह करीम की रहमत जो है वो रायात का सबब बनती है, तौफीक नसीब होती है उसके हजूर रुकू सजूद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रोज़ा और कायमुल्लैल अल्लाह जल्ला शानहू की नीयत और उसकी खुशनूदी और उसके हुक्म की तामील के लिए जब रोज़ेदार को नसीब होती है तो उसकी ज़िंदगी के सारे जो बेशतर गुनाह हैं उनकी माफ़ी का सबब हो जाती है, उसे माफ़ी नसीब होती है। फिर यही रहमत जब अब अल्लाह के हजूर सर बसजूद होने की तौफीक को पहुँचाती है, फिर अल्लाह करीम का करम और एहसान और ठाठे मारता है और उसे बख्शिश की तरफ पहुंचाता है। पहले नसीब हुई वो कमी बेशी की सफाई, इस काबिल हुआ एहसास से नदामत नसीब हुआ, अपनी कमाईगी का एहसास नसीब हुआ, उसके इजहार की तौफीक नसीब हुई, बख्शिश की राह को चल पड़ा, उसकी बख्शिश नसीब हुई। उस बख्शिश के साथ जब बंदा बरियत की तरफ आता है तो बरियत फिर वो हिस्सा है कि जहाँ हतमी ऐलान फरमा दिया गया कि जिसे बरियत नसीब हुई क़यामत के दिन उसे वो कामयाबी नसीब हुई जिसे कुरान करीम फौज़ नज़ीम बयान फरमाता है, बहुत बड़ी कामयाबी जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इस सारी अता में इसकी मिसाल अगर उस भट्टी की ली जाए जिसमें
वो सोना जिसमें खोट हो, जिसमें मिलावट हो। सुनार सोने को भट्टी जब देता है तो उससे मुराद सोने का जल जाना नहीं होता या सोने का जला देना नहीं होता, बल्कि सोने और मैल को अलग अलग कर देना होता है। और वो भट्टी भट्टी नहीं कि जिस भट्टी से सोना चढ़कर साफ ना हो, मैल अलग ना हो, खालिश ना हो। अब रमज़ानुल मुबारक में वो रिस्क जो हलाल है उसका कमाना इबादत के दर्जे में है, उस रिस्क का खर्च करना हुक्म के तहत इबादत के किसी न किसी दर्जे में दाखिल होता चला जाता है। उस रिस्क जिसे आम इजाज़त है इस्तेमाल की, उसका भी मखसूस वक़्त में रोक देना। अब एक हिस्सा रुकना है हलाल और हराम का, फिर अगला हिस्सा है हलाल का भी मखसूस अवकात में रुक जाना। पहला जो रोका गया वो भी अल्लाह का हुक्म है, उसकी तामील हुई। दूसरा हिस्सा जहाँ इजाज़त है वो कादर मुतलिक है, उसने वहाँ जब रुकने का हुक्म दिया उसकी मखलूक वहाँ सर तस्लीम खम कर गई, रुक गई। ये भी एक बंदगी की ऐसी कैफियत है, एक हजूरी की ऐसी कैफियत है जो दस्त बस्ता उसके हजूर पेशी की सूरत में बंदे को जो है वो नसीब होती है। अब भूख है या प्यास है, जो हुक्म है उस तामील को देखना है, जाती जो ज़रूरत है या ख्वाहिशात हैं उन्हें नहीं देखना, उसे रद्द कर। पर रोज़ा ऐसी इबादत है जो नफ्स को मारती है, जैसे तहज्जुद को उठकर नवाफिल की अदायगी या अल्लाह की याद। कुरान करीम बयान फरमाता है कि वो वक्त ऐसा है कि वो नफ्स को जो है कमज़ोर करता है। उस वक़्त का उठना जो लज़्ज़ाते इंसानी हैं उनकी जो ख्वाहिशात और तड़प है उसमें कमज़ोरी का सबब बनता है। इसी तरह जो शहवत रानी है, जो नफ्स का बेलगाम होना है, रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं वो उसमें तहम्मुल देते हैं, बुर्दबारी देते हैं और एक सब्र नसीब होता है। चाहे जाए कि रोज़ा गैर रमज़ान में भी रखा जाए, रमज़ानुल मुबारक की बरकात अपनी, लेकिन इंसानी नफ्स को हदूद में लाने का और लज़्ज़ात इंसानी या ख्वाहिशात इंसानी की रवश में कोई बहने का ख़तरा दरपेश हो, रोज़ा रख लिया जाए, हिफाजत नसीब हो जाती है। अब रमज़ानुल मुबारक की भट्टी में बंदे मोमिन चढ़ा, भट्टी तरतीब दी खालक कुल कायनात ने, उसकी मखलूक उस भट्टी में आई, ओ रहमत ही रहमत नसीब। अमूमी औकात में गैर रमज़ान में जो इबादत नफल का दर्जा रखती है, जहाँ इख्तियारी हिस्से हैं वहाँ उसका मकाम वो जो लाजम हिस्से उन तक पहुँचा दिया। और जो लाजम यानी जैसे फ़राइज़ हैं, अब फ़राइज़ रमज़ानुल मुबारक में जो फ़राइज़ की अदायगी है वो जब लफ्ज़ 70 बयान किया जाता है तो 70 अरबी में मुहावराती पहलू में भी इस्तेमाल होता है, तो उससे मुराद कोई 70 या 70 ही मकसद नहीं होता, उसका हिसाब बढ़ जाता है। कहाँ कितना अल्लाह करीम का एहसान। अब बंदा अपने अल्लाह से महवे गुफ्तगू है, हम कलामी नसीब है, हमारे नज़दीक रुकू सजूद है, वो अपने अल्लाह की बारगाह में हम कलाम होने का शरफ़ हासिल कर रहा है। किस नीयत से हाजिर हुआ, क्या शर्फ़ कबूलियत नसीब हुई, कितनी अता हुई, ये अल्लाह जाने, उसकी मखलूक जाने। अब अमूमी जो दिन है गैर रमज़ान के जो दिन हैं उनकी इबादत जो नफल हिस्से किए हैं उन्हें अल्लाह जल्ला शानहू ने फ़राइज़ से भी बुलंद जो है उसका अजर और सवाब अता फरमा। अब जहाँ नफ्स को लगाम पहनाई जा रही है वहीं वो ज़राए जो इसे मज़ीद तकवीत देते हैं जैसे शयातीन, उन्हें कैद कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, आपने फरमाया सब छोड़े छोटे बड़े जो शयातीन हैं वो कैद कर दिए जाते हैं। अब वो जिन्होंने इस चिंगारी को हवा देनी है
उन्हें भी उस मखलूक को भी, उन बदबख्तों को भी कैद कर दिया। अब जब बंदा रमजानुल मुबारक में बहसियत मुसलमान दाखिल हुआ और ये हिस्से नसीब हुए और इस भट्टी में चढ़ा, जो मरूर जमाना से गर्द उस पर पड़ी थी, उसके मिजाज को उसने जहां तह बाला किया था, उसकी ख्वाहिशात ने जो उसकी हदूदों को यूद को अबूर किया था, हर शय उस भट्टी में जब चढ़ी, हक और बातिल ऐसे छट गया अलग। अब आप गौर कीजिए, अल्लाह करीम का हुक्म है हर पहलू, फिर जिस इबादत को जो दर्जा उसने अता फरमाया वो बेहतरीन है, उसका हुक्म। रमजानुल मुबारक में रोजेदार दर्जात की बहस की जरूरी नहीं है, मुझ जैसा खताकार गुनागार अमूमी रोजादार, उसकी मिसाल लें वो रोजे से हो, वो वजू करते हुए कुल्ली जब करता है तो गले में तरावट नहीं जाने देता, कोई न देख रहा हो घूंट पानी नहीं लेता, क्यों? उसे ये यकीन होता है कि मैं अपने अल्लाह के रूबरू हूं, कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने, वो देख रहा है, वो उसकी ज़ात अलीम है, वो जानता है। इसी सूरत को किसी रोजेदार से पूछ लें वो आपको बयान कर देगा। तो कितने अजर और सवाब हैं, आप इस बुनियाद से देखें कि जब रोजा उसके नाम पर रखा तो हजूर हक की जो सूरत है इस दर्जे की नसीब होगी कि मैयत बारी ताला का एहसास नसीब होगा, एहसास आ गया, समझ आ गया, अल्लाह की जात का हर जगह हर लहजे मौजूद होना ये उसकी शान है, उसकी जात का होना इसका एहसास नसीब हो उसका करम और एहसान है, वगरना देखती आंखों को कुरान करीम ने अंधा बयान फरमाया है, सुनते कानों को बहरा बयान फरमाया है, चलते फिरतों को मुर्दा बयान फरमाया। जब हदूद से गुजर गए तो देखते अंधे हो गए, सुनते बहरे हो, तो कितना शर्फ नसीब हुआ रोजादार, ऐसे हजूर हक की कैफियत नसीब हुई कि वो महसूस करता है अपने अल्लाह के रूबरू भी और उसके कुर्ब को भी महसूस करता है। कुरान करीम बयान फरमाते हैं ना, जब मौत वाक्य होती है तो जो गिर्दो पेश अजीज और अकारब बैठे हैं, जो वो दर्द महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो संभाल, कुरान करीम बयान फरमाता है उस वक्त अल्लाह तुमसे ज्यादा उसके नजदीक होता है जिस पे मौत वारद हो रही है। तो लोग इर्द गिर्द देखते हैं, पुकारते हैं मुझे कोई बचाए, इस हालत से कोई निकाले, मैं हालत नजम में जा रहा हूं, उससे कोई बचाए मुझे, तो क्या खूबसूरत कैफियत है। गरीब से गरीब आदमी, कमजोर गुनाहगार आदमी, रोजे की नियत करता है, सहरी खाता है, ओ अफ्तार तक उसे वो कैफियत नसीब होती है, लमा लमा हजूरी का उसे नसीब होता है और वो महसूस करता है। मुशाहदे की जब बात आती है ना, तो मुशाहदात पर जब बहस आती है या देखने की बात आ गई, ये किसी को कशफ हुआ तो साहिब कशफ ने तो देखा या महसूस किया, जिसे बयान किया जा रहा है वो उसके देखने को जो है उस पर ख्याल अपना जो है वो लागू कर रहा होता है, हाँ ऐसा हुआ हो। यहां क्या लज्जत है, हर रोजेदार को एक दर्जे की हजूरी नसीब। अब इस कैफियत का अता फरमाना को अमूमी बात है। फिर जो बरकात बयान फरमाई गई, जो माफी आम फरमाई गई और जो रहमत आम की गई, आप देखे लैलतुल कदर में आ गए। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, सहाबा कराम हाजिर हैं, सबका उम्मतों पर बात हो रही है, मौजू साहब का उम्मत और उनकी तवीलुल उम्री है। ताज्जुब फरमाया गया कि उनकी इतनी उम्र है, उन सैकड़ों सौ साल, तो मेरी उम्मत की तो उम्र बड़ी थोड़ी है,
तुमने तो बहुत मौका नसीब हुआ अल्लाह की इबादत का, तो मेरी उम्मत का वक्त तो महदूद है, नहीं इतना कम वक्त मयसर आया अपने अल्लाह की इबादत का। तो रवायत में मिलता है कि जिब्राइल अमीन उस वक़्त हाज़िर हुए और सूरह कदर जो है ये आपको अल्लाह ने उस वक़्त अता फरमाई। अपने अर्ज़ किया, आपने ताज्जब फरमा, अल्लाह करीम ने यह कलाम आपको अता फरमाया। अब ये जो इनाम आपको अता फरमाया गया, एक रात खैर मिन अल्फ शहर, हज़ार महीने से बेहतर। तो अगर दस रातें नसीब हों मज़द सामीन कराम, 825 साल के लगभग अरसा बनता है, 833 साल और कुछ इस तरह। अगर 10 रातें नसीब हों, यानी 10 साल के रमज़ान मुबारक नसीब हों, और दूसरी तरफ देखें ना जी, तो वो कितनी सदियों पर मुहित हो। और अगर हिसाब 1000 का किया जाए तो कुरान करीम ने 1000 का तो बयान नहीं फरमा। लफ्स अलिफ पर जब अरबी में बहस आएगी तो ये तो उस हद को पहुंचाती है जिसका हिसाब कोई ना हो। तो फरमाया 1000 का भी करो तो उससे कितना बेहतर है। ये वो पैमाने हैं जिसे मखलूक नहीं माप सकती, ना समझ सकती। वो रात नसीब हुई और उलमा इस पर बहस फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि इशा बाजमात नसीब हो जाए और फजर बाजमात नसीब हो जाए तो कामुल लैल की सूरत बनती है, कुछ नहीं किया, आखिर जो उसकी हजूरी है वो बाजमात नसीब हुई, जो इब्तदाए दिन है वहाँ बाजमात फजर नसीब हुई। इस इख्तिताम और उस इब्तदा जो दोनों उसके नाम से हुए, सारी रात को उसने इबादत में शुमार फरमा दिया। अब फिर भी हम अगर रह जाएं, ये जो मौजू मैंने चुना, जो आया करीमा मैंने देखी, जिसमें अल्लाह जल्ला शानू फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, क्या मिराज है ईमान। तो ये जो फरमा रहे हैं ये हासिल रमज़ान के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। इतनी अताओं से जब हम गुजर कर आए, क्या फर्क पड़ा हमें, क्या तब्दीली रूनुमा हुई हमारे जाहिर और बातन में। वो जो खोट निकला सोने से, तो फिर जो सोने की चमक है वो कहाँ है। वो जो आमेजश अलग कर दी गई खताओं गुनाहों की, ज्यादतियों की, जुल्म की, अना तकब्बर की, तजावज की, वो सब जब निकाल दी तो फिर पीछे असल सोना तो हो ना जी। तो जब असल सोना होगा तो जब उसे वट्टी लगाओगे उसका निशान शहादत देगा कि ये सोना असल है। इसी तरह बंदे मोमिन जब रमजानुल मुबारक से कुंदन होकर निकला, साफ निखर कर निकला, दुनिया या मामला जिंदगी का कोई पेश आया, कोई मामला किसी अमल में दाखिल हुआ, उसका वहां अमल खालिस होगा यानी सालिह होगा, बदी तर्क करेगा, उसे बदी कड़वी महसूस होगी, मिठास वरा तकवा की महसूस होगी और ये बात जाहिर तक नहीं रहेगी। इसका इतलाक नया खाना से होना शुरू होगा। किसी बहस की क्या जरूरत। रमजान और मुबारक से हम मिलके निकले, इस मिलकर निकलने में जब चांद रात है, मैं अपना जवाब सकल और चांद रात वो रात जिसे लैलतुल जायजा, जिसे आसमानों में लैलतुल जायजा पुकारा जाता है, हिसाब किताब की रात, इनाम की रात। ईद उल फितर जब आप कहते हैं ना, तो फितर अफ्तार से है, जैसे रोज़ा खोल देना, अफ्तार से फितर है। और ईद उल फितर और जिसे हम चांद रात कहते हैं, तो ये जो दरमियानी रात है, इस रात को आसमानों में लैलतुल जायजा कहा जाता है। ये इनाम की रात है, अता की रात।
तो उस चांद रात को हमारे मामलात क्या होते हैं? क्या रमजान उल मुबारक की आमन हमें बार महसूस करती है? ओहो, रमजान आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं शाम को जो ईद खुशी का दिन अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई आपने, तो वहां दो दिन मनाए जाते थे, खेल कूद की जाती थी उन दो दिनों में। तो आपने जब पूछा कि ये मामला या माजरा क्या, तो आपको अर्ज की कि ये कदीम रवायत आ रही, इन दो दिनों में खुशी मनाई जाती। तो आपने फरमाया अल्लाह ने दो दिन आपको जो ईदैन के दिए हैं, ये तुम्हारी खुशी के दिन। अब इस खुशी में जो चांद हम देख रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं देख रहे ये जो रोजे में फंसे पड़े हैं इससे निकल आएंगे, मर्जी से दिन में खा पी लेंगे, लंबी नमाज नहीं होगी, या 29 की 30 हों तो ये अल्लाह एक दिन और नसीब होगा। अब इसमें किसी बहस की तो जरूरत नहीं, ना किसी पैमाने की जरूरत है, मैं ऐसे झांको तो इतना काफी है। और जहां हिसाब किताब हो रहा है, फिर सुबह जिस ईद के जमा होने पर हम मुतरिज हो रहे होते हैं और लड़ झगड़ रहे होते हैं, मामलात सारे वहां तय कर रहे होते हैं, जरूरियात से मुतल्लिक, मसाजिद से मुतल्लिक, मोहल्लों से मुतल्लिक, उस तरफ उठते कदमों को बहकी की हदीस शरीफ है कि अल्लाह के फरिश्ते चौकों और चौराहों में खड़े होते हैं और उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब फरमाते हैं, सलामती की दुआएं देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हों इंस के अलावा हर मखलूक उनकी आवाज सुनती है, क्योंकि ये मुकल्लफ हैं। इन मुकल्लफ दो मखलूक के अलावा हर मखलूक वो सदाएं सुन रही होती है, और जो ईद अदा करते हैं, ईद करते जब अल्लाह का हुजूर दुआ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फरिश्तों से अल्लाह करीम सवाल करते हैं, जिसके जवाब में वर्ज करते हैं आप पसंद फरमाते हैं मजदूर की जल्द उजरत का दे देना, तो उस वक़्त अल्लाह करीम उन्हें गवाह फरमाते हैं, तुम गवाह रहना कि मैंने बख्शिश अता करता हूँ। तुम दुआ करो, जो आखरत की दुआ करते हो उसे कबूल फरमाया जाएगा, जो दुनिया की दुआ करते हो मसलत के तहत उसे शर्फ कबूलियत नसीब होगी। तो चांद रात के उस इंतजार में जिसे हम ऐसे चांद को देख रहे हैं, उससे इस कैफियत तक मैं टटोलूं तो सही, मैं कहां खड़ा हूं? वो जो रमजानुल मुबारक की मुबारक भट्टी में मैं गया, वहां से निकल कर आया, मैं क्या हूं? क्या आंख में हया आई है? क्या मैं किसी की सुनने में सरगोशी में कहीं सुनने में कहीं कान तो नहीं धर बैठा? क्या ईद की तैयारी में मैं अपने तकब्बर में तो नहीं चला गया कि मैंने वो कुछ पहना जो किसी के पास ना हो? क्या जो मैं पेट भर कर ईद को खा रहा हूं मेरे हमसाये के घर में भी कोई निवाला है कि नहीं? तो जिसे ये इनाम नसीब होगा वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, उस दर्जे की मोहब्बत है कि, और आप देखे ना यहां एक नुकता, जो लोग ईमान रखते हैं वो अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, इससे ये मतलब नहीं है कि बाकी कहीं वो मोहब्बत नहीं रख सकते, हर जगह की मोहब्बत रख सकते हैं लेकिन इस मोहब्बत के तहत, वरना तो होता ना कि साहिब ईमान सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और कोई मोहब्बत नहीं। तो दीन इस्लाम दीन फितरत है, तमाम फितरी तकाजों को पूरा फरमाता है, लेकिन गालिब मोहब्बत बंदगी की ही होगी जो बंदे के और अल्लाह के माँ बहन है और कोई नहीं हो सकता। अब जिसे अल्लाह की मोहब्बत और शदीद मोहब्बत नसीब हो, उसकी सुबह शाम कैसे होगी? सोया है, उठेगा तो क्या करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह,
उसने मुझे लौटाया हयात की तरफ, उसका शुक्र गुजार हूं। कपड़े पहनता है, किस रुख से उसने कपड़े पहनना शुरू, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, ये कपड़े तो पहन रहा है, कुल्ली कर रहा है, मिसवाक कर रहा है, पाक साफ रह रहा है, रकू सजूद कर रहा है, हलाल पर नहीं, तैयब तक को देख रहा है, हलाल भी हो और तैयब तक जाए, मखलूक खुदा में रह रहा है, अब किसी को पुकारता है। अल्लाह माफ करे, हम जब गुजरते हैं ना तो मुसलमान मुल्क हैं, मुसलमान माशरों में रहते हैं, गाड़ी वाला देखता है कि जो पैदल आ रहा है ये मुझे सलाम दे, वो देखता है ये गाड़ी पर बैठा है इसको मैं सलाम दूंगा तो ये अपने आप को समझेगा कि मैं कितना बड़ा। किसी चलते को देखने की जरूरत नहीं, किसी बैठे गाड़ी को देखने की जरूरत नहीं, जब तुम सवारी पर हो तुम्हारे लिए क्या हुक्म है। अब देखो कितनी बारीकी, जहां हम जिद कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वहां तक के लिए हमारे पास रहनुमाई है। अब हम कहां पहुंचे कि इंसानियत मजहब है, इंसानियत सीखी कहां से, इंसानियत का दर्श है कहां। दीन इस्लाम इंसानियत के काबिल करता है, बंदा इंसान कहलाने के काबिल तब होता है जब उसके अंदर ईमान होता है, नहीं तो फिर ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी पर होता है और उसकी हदूद जो हैं वो फिर मखलूक को नुकसान देती हैं, वो अपनी हद पर नहीं रहती। आप देख लें, बड़ी मिसाल दी जाती है कि जी फलां मुआशरे को देखें वहां क्या कानून का लिया, एक दिन वो डंडा उठा कर देखो ना तो फिर इंसानियत समझ आ जाएगी। जो इतलाक है कानून का उसको उठाओ, एक घंटे के लिए उठाओ, समझ आ जाएगी, क्यों, उस वक्त वो असल होगी। और कोई है नहीं, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं, तो बंदे मोमिन के लिए इतना काफी है मैं अपने अल्लाह के ऊपर हूं, ज्यादती नहीं कर। मुसलमान तो मुसलमान, वो गैर मुस्लिम के साथ भी अच्छा बर्ताव करेगा, इंसान तो इंसान, वो तो चरिंद परिंद सब्ज़े तक, कोई नहीं है रास्ते का पत्थर है वो उसे उठा रहा है कि जब कोई गुजरेगा तो उसे तकलीफ ना पहुंचे। तो हर एक से जो मोहब्बत है उसमें पाकीजगी भी और इजाफा भी नसीब होता है, लेकिन कैसे, ये करम नसीब हो और ईमान का ये दर्जा नसीब हो जो अशद्दु हुब्बल लिल्लाह से नवाज दे, तो इनाम क्या है रमजान का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्ल, आगे क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें परहेजगारी नसीब हो। क्या है परहेजगारी, अच्छा अमामा बांध लेना परहेजगारी है, कीमती कपड़े पहन लेना परहेजगारी है, बड़ी सी तस्बीह उठा लेना परहेजगारी है, मखलूक के इस जैसा तो इबादत गुजार कोई नहीं, क्या ये परहेजगारी है। पीर साहब कहलाना परहेजगारी है, क्या है, इत्तबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को किसी बहस की जरूरत नहीं है भाई। तो हासिल रमजान में बंदे मोमिन का पैमाना उसके वो जज्बात हैं जो रब्बे कायनात ने उसे पैदा फरमा और उसके अंदर रख दिए, उन जज्बात में जो मोहब्बत है वो बुलंदी की अल्लाह की नसीब हो, उसमें इतनी शिद्दत हो फिर और चाहत उसे सर को ना कर सके और ख्वाहिश उसके करीब को ना पहुंच सके। इससे मुराद तर्क दुनिया नहीं है, अगर तर्क दुनिया हो और हमें मिसाल अगर सिर्फ एक ये देखनी हो कि मदीना मुनव्वरा में कपड़े पर जो है वो टांके लगे, जोड़ लगे, उसी मदीना मुनव्वरा में क्या कैसर और किसरा के जो कालीन और गलीचे हैं वो नहीं बिछाए गए,
जहाँ एक खजूर बांटी गई, क्या वहां अशरफियों के जो है वो ढेर नहीं लगे? हर शय अल्लाह की है, उसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इख्तियार करना ये दर्स है, हमें नसीब हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलाम ज़ाती है, जायज़ वसाइल इख्तियार कर। दुनिया देखो, दुनिया वो सीढ़ी है कि जो हमें अल्लाह जल्ला शानू की रजा और उसके कुर्ब को ले जाती है। अब जो बंदा दिमागी तौर पर जिसकी हालत दुरुस्त नहीं हो, वो कितना मुकल्लफ होगा। जिसे भूख नहीं लगती, जिसे प्यास नहीं लगती, जिसे सर्दी नहीं लगती, जिसे गर्मी नहीं लगती, क्या ऐसी मखलूक हमें अपने दरमियान नजर आती? ऐसी मखलूक है जिनके साथ एहतियाज नहीं है, लेकिन वो मलाइका हैं। हम तो इस दारुल इब्तला में जहां ये वर्दाते दुनिया हमारे साथ मुंसलिक हैं, इसमें से होते हुए इनके साथ कैसे गुजरना है? जब अल्लाह की मोहब्बत सबसे अजीज होगी, यकीन माने हर मोहब्बत में सच्चाई नसीब होगी, वरना हमारी मोहब्बतें, हमारे इश्क, हमारे दावे सब झूठे। ज़रूरत के और एहतियाज के सौदे हैं, ये मुआशरे में देखने को मिलता है। वालिद औलाद को धक्का देता, क्या कर लायो? औलाद वालिद को धक्का देता, मुझे दिया तुमने क्या है? समझ आई कि ये तो जब गैरुल्लाह की शरफ बात आएगी तो ये मोहब्बत और इश्क नाम है, इसमें हकीकत नहीं है। ये तो ज़रूरत के सौदे हैं, ये तो ख्वाहिशात हैं, चाहते हैं, हकीकत का इसमें कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। लेकिन जब ये मोहब्बत और इश्क और ये कैफियत और हाल खालिस अल्लाह की तरफ नसीब हो और इस दर्जे का नसीब हो, फिर गैरुल्लाह की मोहब्बत वहां ना हो पहुंच पाए। सबसे बढ़कर अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, तो फिर हर जगह की मोहब्बत जो है उसमें हकीकत भी नसीब होगी और उस मोहब्बत में इंसाफ होगा। और इंसाफ की इब्तिदा देखने से नहीं होती, इंसाफ की इब्तिदा इख्तियार करने से होती है। और रमज़ानुल मुबारक का हासिल अगर हमने देखना है तो अपने अंदर इस इब्तिदा को देखना है। अल्लाह करीम हमारी कमी बेशियां माफ़ फरमाए, हमें कामिल मुसलमान बनाए, हमें इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी मुल्क को कौम की हिफाजत फरमाए, इस उम्मत के बख्त सलामत फरमाए, मखलूक को इस बीमारी से निजात अता फरमाए। हमारे वो भाई जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, अल्लाह करीम उसने हौसला और सब्र अता फरमाए, हमें गैरत ईमानी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।